मैं एलपीपी के सिंप्लेक्स मेथड का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी क्या, एलपीपी का जनरल फॉर्म होता है, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, एलपीपी का सॉल्यूशन किसको कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, एलपीपी का बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक वेरिएबल किसको कहते हैं, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है, डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब टर्म का मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और सारे चीज को डिटेल से बताऊंगा। तो आप ये सब चीज़ अगर समझना चाहते हैं और सिंप्लेक्स मेथड को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सिंप्लेक्स मेथड की चर्चा करूंगा कि सिंप्लेक्स मेथड से कैसे किसी भी एलपीपी को सॉल्व करते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड में ये सारे टर्म का यूज होता है तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सिंप्लेक्स मेथड आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल में मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इस तरीके से जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है कि फाइंड x1 x2 डॉट डॉट xn, ये n वेरिएबल्स है, इसको फाइंड करना है जिसमें से कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ऑप्टिमाइज z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट डॉट cnxn। ऑप्टिमाइज करना मीन्स यहाँ पर या तो एक जेड को मैक्सिमाइज करना रहेगा या मिनिमाइज करना रहेगा, और जेड जो है वो एक फंक्शन है x1 x2 डॉट डॉट xn वेरिएबल का, इसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज या मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहेगा। तो ऐसा x1 x2 डॉट डॉट xn निकालना है जो इसको ऑप्टिमाइज कर दे, जेड को ऑप्टिमाइज कर दे, यानी कि या तो मैक्सिमाइज कर दे और या मिनिमाइज कर दे, जो भी सवाल में रहेगा, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, और उसके इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशन है जिसको कंस्ट्रेंट कहते हैं, जैसे a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1jxj प्लस डॉट डॉट a1nxn। यहाँ या तो लेस देन इक्वल टू होगा या इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये तीन चीज़ है, या तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो तीनों में से कोई एक चीज़ होगा। इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, ये b1 है इधर, यानी कि ये एक इन इक्वेशन हो सकता है या इक्वेशन हो सकता है। अगर लेस देन रहे, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो इसको इन इक्वेशन कहते हैं, और अगर इक्वल टू रहे तो इक्वेशन कहते हैं। तो ये तीनों में से कोई एक चीज़ होगा। तो एक इक्वेशन ये है, यहाँ पर x1 x2 डॉट डॉट xn जो है वो वेरिएबल है, और a11 a12 डॉट डॉट a1j a1n जो है वो सारा कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट जितना भी है वो कांस्टेंट है। इस तरीके से यहाँ पर m इक्वेशन है, a21x1 a22x2 डॉट डॉट, इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये am1x1 प्लस am2x2 डॉट डॉट amjxj डॉट डॉट amnxn, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा bm। तो यहाँ पर m लीनियर इन इक्वेशन हो सकता है या इक्वेशन हो सकता है। अगर लेस देन इक्वल टू रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे तो इन इक्वेशन कहते हैं, और अगर इक्वल टू रहे तो इक्वेशन कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, x1 x2 डॉट डॉट xn, यानी n वेरिएबल है, और इक्वेशन क्या है, देखिए आप सफिक्स है, जो कोएफिशिएंट है उसका दो दो सफिक्स है, ये a11 है, a21 है, डॉट डॉट ai1 है, और लास्ट में am1 है। तो पहला इक्वेशन में यहाँ पर पहला सफिक्स 1 है, और दूसरा इक्वेशन में यहाँ पर पहला सफिक्स, फर्स्ट सफिक्स जो है वो 2 है, ये ith इक्वेशन है तो i है, और ये mth इक्वेशन है तो यहाँ पर m है, पहला सफिक्स m है, इसका मतलब ये mth इक्वेशन हो गया। तो 1, 2 से लेकर के m तक है, यानी कि m इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल्स है n। तो ये कुछ m इक्वेशंस हो सकता है या इन इक्वेशंस हो सकता है यहाँ पर, एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, और जितना भी वेरिएबल यूज हुआ है x1 x2 डॉट डॉट xj डॉट डॉट xn, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा।
तो ये जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ये जनरल लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम का यही फॉर्म होता है। तो अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर वेयर ऑल ए आई जे, जितना भी यहाँ पर कोएफिशिएंट यूज हुआ है इस लीनियर इक्वेशन या इन इक्वेशंस में, तो सभी ए आई जे या यहाँ पर ये जो राइट साइड में जितना भी कोएफिशिएंट है बी वन बी टू डॉट डॉट, तो जितना भी बी आईज है और सी जेज है ये सभी कांस्टेंट है और एक्स जे जो है वो वेरिएबल है। द फंक्शन जेड गिवन बाय वन, यहाँ पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है जेड इक्वल टू दिस, जिसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये जो कंडीशन इसके साथ में है नंबर टू, ये पूरे को टू माने हुए सारे इक्वेशन को, तो टू जो है उसको कंस्टेंट कहते हैं। तो द फंक्शन जेड गिवन बाय वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंडीशन गिवन बाय टू आर टर्म्ड एज द कॉन्स्टेंट्स ऑफ एल पी पी। और जितना भी ये वेरिएबल्स है वो सब नॉन नेगेटिव होगा, तो एक्स जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो गिवन बाय थ्री आर कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गया। जैसे मान लीजिए कोई सवाल इस तरीके से हो सकता है कि हम लोग को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू टू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू। ये जो जेड जो है वो एक्स वन और एक्स टू का एक फंक्शन है, एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू इस तरीके से निकालना है जो जेड को मैक्सिमाइज कर दे, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो है, सब्जेक्ट टू मान लीजिए एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू फाइव और टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स और एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस तरीके से कोई एल पी पी हो सकता है। यहाँ पर दो ही वेरिएबल हुआ है, एक्स वन और एक्स टू ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जहाँ पर एक्स वन और एक्स टू दोनों नॉन नेगेटिव है, तो ऐसा एल पी पी होता है। ये जनरल फॉर्म हो गया एल पी पी का। अब इस जनरल फॉर्म को हम लोग कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं ये जानना जरूरी है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे एल पी पी को लिखा जाता है ये समझना जरूरी है। उसके बाद मैं फिजिबल सॉल्यूशन वगैरह की चर्चा करूँगा कि क्या फिजिबल सॉल्यूशन होता है। अब देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तीन चीज़ होता है एलपीपी का, तीन पार्ट है। एक फर्स्ट जो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ये वाला जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है, और जो कंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पर उसको कंस्टेंट कहते हैं, जिसको नंबर टू से डिनोट कर रहे हैं, और तीसरा सारा वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होता है, इसको नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। तो एलपीपी का तीन पार्ट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं जरा इसके बारे में समझिए कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, द गिवन एल पी पी कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ऑप्टिमाइज जेड, जेड को ऑप्टिमाइज करना है, और ये एक रो मैट्रिक्स बनाया है और ये कॉलम मैट्रिक्स बनाया है, सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन का रो मैट्रिक्स और एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन का कॉलम मैट्रिक्स। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए रो जो होता है और कॉलम मल्टीप्लाई हो जाता है, सी वन एक्स वन हो जाएगा यहाँ पर सी वन एक्स वन, फिर यहाँ पर सी टू को एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरीके से डॉट डॉट सी एन को एक्स एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आ गया। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जेड इक्वल टू दिस, ये लीनियर फंक्शन हो गया, और इसी को हम लोग को ऑप्टिमाइज करना है, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, और जो कंस्टेंट जितना था उस कंस्टेंट को कैसे लिखेंगे, ये आप जो कंस्टेंट देख रहे हैं कंस्टेंट को इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, जितना भी कोएफिशिएंट है ए वन वन ए वन टू डॉट डॉट ए वन एन ए टू वन ए टू टू डॉट डॉट ए टू एन, ये बीच वाले छोड़ दे रहे हैं, ए टू एन लास्ट में लिख रहे हैं सिर्फ, इसी तरीके से ए एम वन ए एम टू डॉट डॉट ए एम एन, इसका एक हम लोग मैट्रिक्स बना लेंगे। डॉट डॉट में ये जो ए वन जे जो है वो बीच में आ जाएगा डॉट डॉट में, तो ए वन वन ए वन टू डॉट डॉट ए वन एन ए टू टू ए टू वन ए टू टू डॉट डॉट ए टू एन ए एम वन ए एम टू डॉट डॉट ए एम एन से एक मैट्रिक्स बना लिए, और एक वेरिएबल से मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, और इधर जो कांस्टेंट है बी वन बी टू डॉट डॉट बी एम जो लास्ट में है उसका एक हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं, और बीच में जो साइन होगा यहाँ पर चाहे जो भी हो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू का वो रहने देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे तो यही सब कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कैसे, क्या होता है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ए वन वन एक्स वन आ जाएगा यहाँ पर, पहला क्या आएगा ए वन वन एक्स वन आएगा, फिर ए वन टू एक्स टू आएगा ए वन टू एक्स टू और डॉट डॉट, इसी तरीके से ए वन एन एक्स एन से मल्टीप्लाई होगा ए वन एन एक्स एन,
और यहाँ पर जो भी होगा लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन जो भी हो यहाँ पर b1, तो क्या पहला कंस्टेंट आ रहा है ना, आप देख रहे हैं पहला कंस्टेंट आ जा रहा है। इसी तरीके से दूसरे रो को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड कंस्टेंट आ जाएगा, इसी तरीके से mth रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला कंस्टेंट आ जाएगा, तो ये सारा कंस्टेंट आ जाएगा। इसको कंस्टेंट को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख रहे हैं, और जो भी वेरिएबल्स है वो सभी नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग ये जो कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स है, तो एक्स वन भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, एक्स टू भी ग्रेटर देन जीरो, एक्स एम भी ग्रेटर देन जीरो, सारा एक्स एम नहीं यहाँ पर एक्स एन होगा क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो एन वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की संख्या हम लोग यहाँ पर एन लिए हैं और कॉन्स्टेंट की संख्या एम लिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे जरा इसको समझिए। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ जो ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज हम लोग को जेड को ऑप्टिमाइज करना है, और ये जो मैट्रिक्स है सी वन सी टू डॉट डॉट इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल सी से, या बोल्ड भी कर सकते हैं सी, और वो जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x1 x2 डॉट डॉट उसको हम लोग x मान लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसी को ऑप्टिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, ये जो कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स आया है उसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और वेरिएबल से जो मैट्रिक्स आया है उसको x से डिनोट करते हैं, ये बोल्ड कर दीजिएगा x को, और उधर जो है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन उसको स्मॉल b से ये बोल्ड करके लिख रहे हैं, ये स्मॉल b जो है वो एक मैट्रिक्स हो गया। और साथ में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये जो मैट्रिक्स है एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एलपीपी है मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स सच दैट ए एक्स लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू बी वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सी क्या है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो C हम लोग यूज किए हैं थोड़ा बोल्ड करके लिखेंगे, C जो है वो C1, C2 डॉट डॉट Cn, ये एक रो मैट्रिक्स है। X क्या है, X जो है वो भी बोल्ड करके लिख रहे हैं हम लोग, X जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स X1 डॉट डॉट Xn तक का, और A क्या है, A जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है A11, A12 डॉट डॉट A1n, ए टू वन ए टू टू डॉट डॉट ए टू एन, और इसी तरीके से डॉट डॉट लास्ट में ए एम वन ए एम टू डॉट डॉट ए एम एन, ये हो गया मैट्रिक्स जो हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। तो अब हम लोग इसी जो एलपीपी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ऑप्टिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स सच दैट ए एक्स लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बी फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू g, और b क्या है, b भी यहाँ पर लिख देते हैं, एक b छूटा हुआ है, तो b जो है वो राइट साइड जो कांस्टेंट था b1 b2 डॉट डॉट bm उसको हम लोग एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिए, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस LPP का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं, फिर फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सब चीज़ की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है एलपीपी का, कि ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x1, x2, डॉट डॉट xn इज कॉल्ड ये सॉल्यूशन ऑफ ये एलपीपी इफ इट सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट्स। एलपीपी का तीन पार्ट होता है, मैं अभी समझाया था कि एक सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, सेकेंड होता है कांस्टेंट, और थर्ड होता है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर जो एन वेरिएबल था x1 x2 डॉट डॉट xn, अगर उसका कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए, सभी x1 का x2 का डॉट डॉट xn का ऐसा वैल्यू मिल जाए जो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे, सिर्फ कांस्टेंट को, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस का जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जरूरत नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट को अगर सेटिस्फाई करने वाला कोई वैल्यू मिल जाए वेरिएबल्स का, तो वैसे सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक एलपीपी है कि मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू फोर एक्स प्लस फाइव वाई और सब्जेक्ट टू एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू सिक्स, थ्री एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स और वाई है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और ये जो दो है ये दोनों को हम लोग कांस्टेंट कहेंगे ये, और ये जो है वो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गया।
तो x और y का यहाँ पर LPP है, x और y वेरिएबल में, तो x और y का वैल्यू हम लोग ऐसा देखते हैं जो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे, सिर्फ इसको कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी अगर x और y का वैल्यू मिल जाता है तो उसी को हम लोग इस LPP का सॉल्यूशन कहेंगे। जैसा आप देखिए x इक्वल टू वन, y इक्वल टू टू, क्या कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? पहले फर्स्ट कांस्टेंट में पुट करके देखिए, x इक्वल टू वाई वन और y इक्वल टू टू, यहाँ x की जगह वन पुट करते हैं प्लस टू इंटू वाई की जगह टू पुट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू सिक्स आ रहा है कि नहीं? ये टू टू या फोर, फोर प्लस वन फाइव आ रहा है, फाइव लेस देन इक्वल टू सिक्स आ रहा है, तो ये इसका मतलब सही है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसको भी चेक कीजिए। x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और y की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 12, ये आ रहा है 5, 5 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये जो x और y का वैल्यू है ये दोनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दो ही कांस्टेंट है यहाँ पर, तो दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस टू और y इक्वल टू थ्री, हम लोग देखते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, x इक्वल टू माइनस टू पुट कीजिए और y के जगह 3 पुट करेंगे, 3 टू जो 6 हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 आना चाहिए, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 4 लेस देन इक्वल टू 6 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, 4 लेस देन 6 होता है। और फिर सेकेंड में हम लोग पुट करते हैं तो x के जगह माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस सिक्स हो जाएगा, और y के जगह 3 पुट कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 12 आना चाहिए, देखिए आता है कि नहीं, माइनस सिक्स में 3 ऐड करते हैं तो माइनस थ्री तो लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि ये ट्रू है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये जो x और y का वैल्यू है ये इस दोनों कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन हो गया। आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू माइनस टू भी इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेगा ये भी, और x इक्वल टू टू y इक्वल टू माइनस थ्री भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये सब भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा कई पॉइंट हो सकता है, x और y का वैल्यू कई वैल्यू मिल सकता है जो इस दोनों कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस LPP के कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका कई सॉल्यूशन हो सकता है, एटसेट्रा लिखा हुआ, और भी आप ढूंढ करके देखिए कि कौन कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो जो भी x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x इक्वल टू वन y इक्वल टू टू सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 एक सॉल्यूशन हो गया, 1 2 x इक्वल टू वन और y इक्वल टू टू, ये पूरा जो सेट है दो पॉइंट का सेट है, x और y का दोनों वैल्यू का सेट है ये, तो ये जो है एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन कौन सा हो गया, माइनस टू कॉमा थ्री, ये भी सॉल्यूशन हो गया। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, माइनस वन माइनस टू। चौथा सॉल्यूशन क्या हो गया, टू और माइनस थ्री। इसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, तो कई सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वैसे सेट ऑफ वेरिएबल्स को कहते हैं जो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करे। अब देखते हैं नेक्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, कि ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट डॉट xn, ये जो वेरिएबल्स है उसके वैल्यू का एक सेट बना दीजिए, तो इज कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इफ इट इज सेटिस्फाइज द कॉन्स्टेंट एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द LPP। यानी वेरिएबल का ऐसा सेट बनाना है जो कॉन्स्टेंट को भी सेटिस्फाई करे और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी, तो दोनों को सेटिस्फाई अगर करता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन, यानी वैसा सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिव भी हो तो उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे इसी एग्जांपल की बात करें, अभी हम लोग चार सॉल्यूशन यहाँ पर फिलहाल लिखे, ऐसे कई सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसमें से चार जो सॉल्यूशन लिखे हैं उसमें से फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है ये आप देखिए, ये देखिएगा तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं होना है, x और y दोनों कैसा होना है, नॉन नेगेटिव होना है, तो ये जो है वो नेगेटिव, यानी कि ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी देखिए x और y दोनों नेगेटिव है, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर y जो है वो नेगेटिव है, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। आप फर्स्ट वाला को देखिएगा तो ये दोनों नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों जो है वो नॉन नेगेटिव है, यानी 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट वाला, तो ये जो है फर्स्ट वाला जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन जरूर है लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कॉन्स्टेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो कई फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर एक फिलहाल लिखा हुआ है लेकिन कई फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अब वैसा फिजिबल सॉल्यूशन जो इसको मैक्सिमाइज भी कर दे, ये मैक्सिमम वाला सवाल है तो मैक्सिमाइज कर दे, मिनिमम वाला सवाल है तो मिनिमाइज करना चाहिए,
तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे या मिनिमाइज कर दे, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वैसे फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज सेट टू बी एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन लेना है जो इफ इट ऑल्सो ऑप्टिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑप्टिमाइज कर देता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अगर मैक्सिमम वाला सवाल है तो मैक्सिमाइज कर दे, मिनिमम वाला सवाल है तो मिनिमाइज कर दे, तो वैसे फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। और जब एलपीपी को सॉल्व करना रहता है तो हम लोग ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ही निकालना रहता है, यानी कि जो ऑप्टिमाइज कर दे, साथ में कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे, तो वैसा ही सॉल्यूशन निकालना रहता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ही निकालना रहता है। तो ये सॉल्व करने का जो तरीका होता है, एक तरीका तो ग्राफिकल मेथड होता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड का डिमेरिट है कि उसमें वहाँ पर दो वेरिएबल वाले ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, दो वेरिएबल में जो एलपीपी रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दो वेरिएबल से ज़्यादा का सवाल है तो उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, मैं सिंप्लेक्स मेथड आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसका मैं आज बता रहा हूं। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, अब फिर मैं आगे बताता हूँ कि बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसका भी वहाँ पर जब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो अब देखिए आगे बेसिक सॉल्यूशन, अब हम लोग देखते हैं बेसिक वेरिएबल क्या होता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस की चर्चा करते हैं, बाद में उसको एलपीपी से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसा सपोज कीजिए, मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं पहले समझा रहा हूँ, डेफिनेशन के बारे में बाद में आऊँगा। तो इस एग्जांपल को समझिए कि कंसिडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशंस ले, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले रहे हैं, यानी तीन वेरिएबल है x1 x2 x3 और यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस है। तो तीन वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और इक्वेशंस की संख्या 2 है, क्या ये सॉल्व करके x1 x2 x3 का वैल्यू निकाला जा सकता है? आपको पता होगा कि अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो जितना वेरिएबल है, जितना इक्वेशन है, या आपको पता होगा कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो जितना वेरिएबल है उतना इक्वेशंस चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की संख्या 3 है और इक्वेशंस की संख्या 2 है, ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एक वेरिएबल को आप जीरो पुट कर दीजिए, कोई भी एक वेरिएबल को जीरो पुट कर दीजिए। तो जैसा सपोज कीजिए हम लोग पुट कर देते हैं x3 इक्वल टू जीरो, x3 को जीरो पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट, हम लोग को इक्वेशंस जो है वो ऐसा मिल जाएगा x1 प्लस 2 x2 इक्वल टू 4 और यहाँ हो जाएगा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू, ये x3 के जगह जीरो पुट कर देना, इक्वल टू 5। अब ये दो वेरिएबल हो गया और दो इक्वेशंस है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं और इसको नंबर 2 कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कीजिए, कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। तो मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x1 प्लस 4x2 और यहाँ पर हो जाएगा 8। इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2x1 प्लस x2 ही रह जाएगा और यहाँ पर 5। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4x2 में x2 सब्ट्रैक्ट करने पर x2 आएगा, यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा, तो x2 का वैल्यू निकल गया। अब x2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट से हम लोग x1 निकाल लेते हैं, x1 का वैल्यू कितना आएगा ये उधर ले जाते हैं, तो 4 माइनस 2 x2, तो 4 माइनस 2 और x2 का वैल्यू 3 है, यानी कि 4 माइनस 6, यानी कि ये माइनस 2 आ रहा है। तो क्या आ गया, x1 का वैल्यू आया माइनस 2 और x2 का वैल्यू आया, यहाँ पर x2 निकालें, 3, और x3 हम लोग क्या पुट किए थे, x3 को हम लोग 0 पुट किए थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो ये जो सॉल्यूशन निकला है इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को n मान लीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 3 है और इक्वेशंस की जो संख्या, ये n जो बता रहा है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स कह सकते हैं। तो ये है यहाँ पर 3 और ये है नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो इक्वेशंस की संख्या यहाँ पर है 2। तो n माइनस m निकाल लीजिए,
n माइनस m मतलब 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो किसी भी एक वेरिएबल को आप 0 पुट कर दीजिए। n माइनस m जो आ रहा है यानी कि जितना वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है इक्वेशन से, तो वो उतने वेरिएबल को आप 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर n माइनस m का वैल्यू 1 आ रहा है, तो एक वेरिएबल को 0 पुट करेंगे, तो किसी भी एक वेरिएबल को पुट कर सकते हैं 0, चाहे वो x1 को कीजिए या x2 को कीजिए या x3 को। फिलहाल हम लोग x3 को 0 पुट किए हैं। x3 को 0 पुट करने के बाद एक न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएगा। तो ये जो नए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और इस तरीके से जो सॉल्यूशन आया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए अब डिफिनेशन कैसे डिफाइन किया गया है, जरा समझिए कि कंसिडर ए सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी ऑफ एम इक्वेशंस इन एन अननोन्स। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। जैसे इसी को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखिएगा इसको, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे 1 कोएफिशिएंट से 1 2 1, फिर 2 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा ये वेरिएबल्स x1 x2 x3, ये 3 वेरिएबल हैं, और इधर हो जाएगा इक्वल टू 4 5। तो ये जो है ए, ये पूरा ए, ये एक्स हो गया और ये हो गया बी। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी जो है वो एम इक्वेशंस और एन अननोन्स है। तो यहाँ पर फिलहाल इक्वेशंस की संख्या 2 है और वेरिएबल की संख्या, अननोन की संख्या यहाँ पर 3 है। तो एन जो है वो ग्रेटर देन एम होगा, यानी अननोन की संख्या ज़्यादा होना चाहिए इक्वेशन की संख्या से। अननोन यहाँ पर 3 है और इक्वेशन 2 है, तो अननोन की संख्या जो है, वेरिएबल की संख्या जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, एन ग्रेटर देन एम होना चाहिए। तो ऐसा मान लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे ए एक्स इक्वल टू बी। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इफ एनी एम बाय एम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज चूजन। अब जितना एम क्या है, इक्वेशंस की संख्या है, तो जो इक्वेशन की संख्या है, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स जो बनाए थे, मैट्रिक्स बना था 1 2 1 और 2 1 5, मतलब ए के जगह ये बना था। तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना है, आप देख रहे हैं m का वैल्यू जो है वो 2 है। तो इससे 2 by 2 ऑर्डर का कोई भी एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है इसका, हम लोग 2 by 2 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना लीजिए। जैसे हम लोग यही दोनों कॉलम लेकर के बना देते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 2 1, और ये नॉन सिंगुलर है या नहीं, तो वो कैसे पता करते हैं नॉन सिंगुलर है या नहीं, उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इसको मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का साइन दे दीजिए और इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो 1 - 4 यानी कि -3, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स से एक हम लोग 2 by 2 ऑर्डर का, यानी यहाँ एम बाय एम ऑर्डर है, मतलब एम क्या है, इक्वेशंस की संख्या, तो इक्वेशंस है 2, तो 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो हम लोग लास्ट कॉलम को छोड़ दिए, लास्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये जो कॉलम बच रहा है 2, तो उससे एक मैट्रिक्स बना लिए, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिए, ये -3 आया, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो एम बाय एम ऑर्डर का एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चूज करना है, फ्रॉम ए से चूज करना है, ए से ही हम लोग चूज कर रहे हैं। And if all the n minus m variables not associated with the columns of this matrix are set equal to 0. अब क्या कर रहे हैं कि n minus m variables, तो n minus m मतलब 1 variable आ रहा है इस example में, तो 1 variable को हम लोग क्या करेंगे जो इस column matrix में नहीं है, ये जो matrix बनाए हैं, जो non singular matrix आया है, तो इस matrix में जो column नहीं है, कौन सा column नहीं है, ये वाला column नहीं था, बाकी ये दोनों कॉलम तो है, तो ये कॉलम के साथ कौन सा वेरिएबल था, ये कॉलम के साथ जो वेरिएबल है x3 है, तो उस वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इफ ऑल द एन माइनस एम वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर सेट इक्वल टू 0। जो हम लोग ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाए हैं 2 by 2 ऑर्डर का, इसमें से जो कॉलम नहीं है, ये कॉलम नहीं है, और इस कॉलम से जो रिलेटेड वेरिएबल है, एसोसिएटेड वेरिएबल है, उसको हम लोग सेट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं। वही यहाँ पर देख रहे हैं, फिर से आप देखिए कि एंड इफ ऑल द एन माइनस एम वेरिएबल्स नॉट एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर सेट इक्वल टू 0। तो m बाय m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिए, बाकी जो भी वेरिएबल्स है उसको 0 पुट कर दिए, तो द सॉल्यूशन टू द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड द बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद जो सॉल्व करके इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो आएगा उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही किए हैं कि एक वेरिएबल x3 को 0 पुट किए हैं, बाकी जो रिजल्टिंग सिस्टम आया तो उसको सॉल्व कर लिए। ये जो सॉल्यूशन आया, इसी सॉल्यूशन को हम लोग कह रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन।
तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन हुआ क्या? बेसिक सॉल्यूशन इन अदर वर्ड्स ये सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय सेटिंग n माइनस m वेरिएबल्स टू जीरो, n माइनस m वेरिएबल्स को हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। n माइनस m वेरिएबल्स को जीरो पुट करके सॉल्व करेंगे तो उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल्स इज नॉट जीरो। उसके साथ जो n माइनस m वेरिएबल्स को जीरो पुट कर दिए उसके अलावा जो m वेरिएबल्स बचा उससे जो कॉलम कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा डिटर्मिनेंट बनेगा वो जीरो नहीं आना चाहिए। जरा यहाँ समझिए क्या है कि n माइनस m वेरिएबल्स यानी कि एक वेरिएबल को जीरो पुट किए, जीरो पुट करने के बाद जो वेरिएबल बच गया तो उसके कोएफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनाना है। तो उसके कोएफिशिएंट से डिटर्मिनेंट आप बनाइएगा तो कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा जरा समझिए। n माइनस m वेरिएबल्स यानी कि एक वेरिएबल को हम लोग जीरो पुट कर दिए और ये जो बाकी रिजल्टिंग इक्वेशन बना उसका कोएफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए तो 1 2 2 1 ये कितना वैल्यू आ रहा है 1 - 4 यानी कि -3। ये जीरो नहीं आना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उसका जीरो नहीं आना चाहिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तब उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या है, अगर इक्वेशन की संख्या कम है और वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है तो जितना वेरिएबल ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 3 वेरिएबल्स था, इक्वेशंस 2 था तो 3 - 2 कर दीजिए 1, तो एक वेरिएबल को आप किसी को भी जीरो पुट कर दीजिए और उसके अलावा जो 2 वेरिएबल बचा उससे एक इक्वेशन बना लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन को कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन शर्त ये है कि इससे जो कोएफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बन रहा है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो जाता है तो फिर उसको बेसिक सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। बेसिक सॉल्यूशन कहने के लिए इसका जो डिटर्मिनेंट से कोएफिशिएंट के डिटर्मिनेंट से कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब कितना बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, एक बेसिक सॉल्यूशन निकालें, कैसे निकालें हैं, x3 को जीरो पुट करके, जरूरी नहीं है कि x3 को ही जीरो पुट करें, हम लोग x1 को भी कर सकते थे, x2 को भी कर सकते थे। तो यहाँ पर 3 सेट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, एक बार x1 को जीरो पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक बार x2 को जीरो पुट करके सॉल्व कर लेंगे, एक बार x3 को जीरो पुट करके हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ये 3 सेट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए थी कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हुआ, 2x1 तो कैंसिल हो गया, 4x2 में x2 सब्ट्रैक्ट किए तो 3x2 हो जाएगा और यहाँ पर आ रहा है 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x2 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब ध्यान दीजिएगा। और जब x2 का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन आया है x1 का वैल्यू 1 आया है और x2 का वैल्यू 2 आया है और x3 का वैल्यू 0 आया है, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि x2 को भी 0 पुट कर सकते हैं, x2 को अगर 0 पुट करते हैं तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनेगा, x1 + x3 = 4 और फिर बच जाएगा 2x1 + 5x3 = 5, क्योंकि x2 को 0 पुट कर दिए तो ये दोनों गायब हो जाएगा। अब यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना है तो इसका डिटर्मिनेंट चेक कीजिए कोएफिशिएंट का कि ये 0 तो कहीं नहीं आ रहा है, अगर 0 नहीं आता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1 1 2 5 है कोएफिशिएंट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 5 - 2 यानी कि 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो यहाँ से भी हम लोग जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो भी सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी सॉल्यूशन जो है वो एक बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, x1 का वैल्यू 5 आएगा और x2 तो 0 आया है और x3 निकालेंगे तो x3 का वैल्यू -1 आएगा, तो ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया। और फिर एक और बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे, अभी हम लोग x2 को 0 पुट किए, उसके पहले x3 को 0 पुट किए, अगर x1 को 0 पुट कर दें तो x1 को 0 पुट करेंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, 2x2 + x3 = 4 और x2 + 5x3 = 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट तो 0 कहीं नहीं आ रहा है, 2 1 1 5, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ रहा है 10 - 1 यानी कि 9, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी यहाँ से भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना रहता है कि जितना
अननोन है, जितना वेरिएबल है उसमें से इक्वेशंस की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है उतने वेरिएबल को जीरो पुट करते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 था, 3 अननोन था और 2 इक्वेशंस था तो 1 आया, तो एक वेरिएबल को हम लोग जीरो पुट किए और एक वेरिएबल को जीरो पुट करके बाद जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन रहा है उसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कोएफिशिएंट का, वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आवे और इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वन तो जीरो आया है और एक्स टू और एक्स थ्री क्या आएगा आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, एक्स टू का वैल्यू जो भी आवे और एक्स थ्री का वैल्यू जो भी आवे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ये भी एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तीन बेसिक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। अब ये कितने बेसिक सॉल्यूशन बनेगा ऐसे सिस्टम इक्वेशंस का, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है NCM। NCM जो है इतना बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर जैसे 3 है n के जगह और m के जगह 2 है तो 3C2 का वैल्यू 3 आएगा, तो तीन बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इसमें बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसी को हम लोग सॉल्व किए हैं और ये जो बेसिक सॉल्यूशन आया है, तो जिसको आप जीरो पुट कर दिए उसको छोड़ दीजिए, जो नॉन जीरो मतलब जीरो पुट किए हम लोग एक्स थ्री को, तो उसके अलावा जो बच गया एक्स वन और एक्स टू, तो एक्स वन और एक्स टू को हम लोग बेसिक वेरिएबल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिसको जीरो पुट किए उसको छोड़ करके बाकी जो वेरिएबल बचा उसको हम लोग बेसिक वेरिएबल कहेंगे। तो इसमें बेसिक वेरिएबल x1 x2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो x2 को जीरो पुट किए तो बेसिक वेरिएबल x1 x3 हो जाएगा। इसमें आप देखिए कि x1 को जीरो पुट किए तो बेसिक वेरिएबल x2 x3 हो जाएगा। तो बेसिक वेरिएबल का क्या डिफिनेशन है कि द m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ द एबव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं कि m वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द कॉलम्स ऑफ द एबव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उससे एसोसिएटेड जो m वेरिएबल्स है विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। जैसे इसी की बात करें तो x2 को आप जीरो पुट कर दिए तो x2 को जीरो पुट कर दिए तो नॉन बेसिक जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा बनता है, ये जो कोएफिशिएंट है 1 1 2 5, ये जो कोएफिशिएंट है इससे जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना, तो इसमें कौन सा वेरिएबल एसोसिएटेड है, ये जो मैट्रिक्स बना इसमें एसोसिएटेड है एक्स वन और एक्स थ्री, एक्स वन और एक्स थ्री का ही ये मैट्रिक्स बना है कोएफिशिएंट का। तो एक्स वन और एक्स थ्री विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जो एक्स वन और एक्स थ्री का वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो से डिफरेंट हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो ही, एक्स वन का जो वैल्यू आया और एक्स थ्री का जो वैल्यू आया वो जीरो से अलग हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। तो विच मे बी लिखा हुआ है, विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। तो किसको बेसिक वेरिएबल कहेंगे, x1 और x3 को हम लोग बेसिक वेरिएबल कहेंगे, यानी कि जिसको जीरो पुट कर दिए उसको हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल कहते हैं, उसके अलावा जो वेरिएबल बच गया उसको हम लोग बेसिक वेरिएबल कहेंगे। अगर इस बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो इस बेसिक सॉल्यूशन में x1 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल हो गया और x2 जो और x3 हो गया बेसिक वेरिएबल। इस सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर x1 और x2 बेसिक वेरिएबल और x3 जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो अब देखिए इसमें से एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिक वेरिएबल है वो मे बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो से अलग भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर x2 तो खैर निश्चित रूप से जीरो होगा जिसको जीरो पुट कर दिए, और x1 और x3 का जो वैल्यू निकाले हैं जो बेसिक वेरिएबल है वो हो सकता है किसी इक्वेशन में जीरो भी आ जाए इसका सॉल्यूशन। तो अगर वो जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग डीजेनरेट सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर बेसिक वेरिएबल नॉट जीरो आता है तो उसको हम लोग नॉन डीजेनरेट कहते हैं। यानी बेसिक वेरिएबल का जो वैल्यू है, बेसिक वेरिएबल जितना भी है उसका वैल्यू कोई भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसिक वेरिएबल विच इज नॉट जीरो, या ऐसा कह सकते हैं कि इफ द एनी वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज नॉट जीरो देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। एनी वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज नॉट जीरो, कोई भी बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। और इफ एनी वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिजेनरेट सॉल्यूशन। तो दो तरह का सॉल्यूशन हो गया, एक डिजेनरेट सॉल्यूशन और एक नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। नॉन डिजेनरेट में बेसिक वेरिएबल कोई भी बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर एक भी बेसिक वेरिएबल का वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन। अब देखिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर है, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको कहेंगे कि जो बेसिक भी हो और फिजिबल भी हो। तो जो बेसिक भी हो और फिजिबल भी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करे और कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करे। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस और कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन को फिजिबल, और ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन जो बेसिक भी है तो उसको हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। जब आप सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब टर्म यूज होगा, तो आप इसको भी याद रखिएगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस तरीके से नॉन डिजेनरेट या डिजेनरेट या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज डिफाइंड किया हूँ, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि स्लैक वेरिएबल क्या होता है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, और सिंप्लेक्स मेथड से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर कीजिए। एक लाइक तो कम से कम बनता ही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और पहले मैं तो सिंप्लेक्स मेथड बताऊंगा, सिंप्लेक्स मेथड का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद आपका अगर डिमांड होगा तो एलपीपी का अभी और भी नेक्स्ट चैप्टर को भी मैं कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिंप्लेक्स मेथड के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।